नमस्कार, मैं हूं पिनाज और आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे साथ हैं पंडित सुरेश कौशल जी। कौशल जी, आपका स्वागत है। और नया साल आते ही सबके मन में कई सवाल उठने लगते हैं कि भाई ये कैसा रहेगा साल, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, विवाह के लिहाज से क्या कुछ सफलता लेकर आएगा ये साल आपके लिए, किस्मत कैसी रहेगी। तो तमाम चीजों का आज हम आपको देंगे हल, बताएंगे ये साल कितना मंगल होगा और सुरेश कौशल जी ढेर सारे सवालों का जवाब देंगे। लेकिन इस बीच साल धन के लिहाज से बहुत अच्छा है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जनवरी के अंत से लेकर आने वाले कुछ महीने जो है उसमें तीन अहम जो ग्रह हैं वो अस्त होंगे, तो ऐसे में कुछ परेशानी आ सकती है। तो उन परेशानियों से बचकर कैसे ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाएं यही जानेंगे। लेकिन सबसे पहले 2013 क्या खास लेकर आ रहा है ये देख लेते हैं। मंगलवार से शुरू हुआ वर्ष 2013 मंगलवार को ही खत्म होगा ये साल। बुध के नक्षत्र ने बनाया सोने पर सुहागा। खुशियों भरे होंगे आने वाले दिन। 12 महीने बरसेगा धन छप्पर फाड़ के। साल के पहले दिन जानिए अपने अचूक उपाय। जय मंगलेश्वर नमो नमः। जय मंगलेश्वर नमो नमः। नए साल की शुभ शुरुआत के बीच सवार लीजिए अपना जीवन। नए साल को बना लीजिए खुशहाल। नए साल की तरह कर लीजिए अपनी जिंदगी में खुशियों का स्वागत। साल 2013 नई उम्मीदों की रोशनी लेकर आ रहा है जीवन में। साल को खूबसूरत और कामयाब बनाने की योजनाएं भी होंगी आपके मन में। इन योजनाओं पर अमल करने का मौका दे रहा है मंगलवार से शुरू हुआ साल 2013, जब आप कुछ छोटे छोटे उपायों को करके आने वाले 12 महीनों को अनुकूल बना सकते हैं। जीवन के हर क्षेत्र में मिलने वाले हर मौके का भरपूर लाभ उठा सकते हैं। इस बार जहां एक तरफ साल का पहला दिन ही मंगलवार से शुरू होकर मंगलवार को ही खत्म होगा, वहीं दूसरी ओर बुध के लग्न कन्या और बुध के नक्षत्र अश्लेषा में साल की शुरुआत हुई है और बुध के ही नक्षत्र ज्येष्ठा में साल का अंत होगा। बुध के लग्न और बुध के नक्षत्र में नया साल शुरू होने की वजह से धन की स्थिति प्रबल होगी। वहीं युवा वर्ग के लिए शुभ सौगात लेकर आया है साल 2013। उच्च के मंगल और उच्च के शनि के कारण शश योग और रूचक पंच महापुरुष जैसे दो महायोग का निर्माण हो रहा है। देश की कुंडली में मुख्य ग्रह शुक्र पर बुधादित्य योग के गुरु की शुभ दृष्टि पड़ने के कारण नए वर्ष की शुरुआत बड़े ही उत्तम ग्रह स्थिति के साथ हुई है। लेकिन 29 जनवरी के बाद आने वाले 5 महीने शुक्र, गुरु और मंगल के अस्त होने से कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ज्योतिषियों का कहना है कि जातकों के लिए साल 2013 शुभ संकेत दे रहा है, लेकिन देश की कुंडली में मुख्य ग्रह शुक्र है और शुक्र के अस्त होते ही देश में भारी राजनीतिक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। वहीं जून महीने से जब गुरु मिथुन राशि में प्रवेश कर शनि पर अपनी शुभ दृष्टि देने लगेगा तो शनि की 7.5 और धैया से पीड़ित जातक को शनि के प्रकोप से बड़ी राहत मिलेगी। कुल मिलाकर अगर हम कहें तो धन, व्यापार, शिक्षा, उद्योगों के लिए साल 2013 बेहद शुभ साबित होगा। तो आने वाले 5 महीने में सभी प्रकार की समस्याओं से निजात पाने और फिर साल के बाकी महीनों में शुभ ग्रह स्थिति का भरपूर लाभ उठाने के लिए आपको साल के आरंभ में ही करने होंगे कुछ खास उपाय। तो कौन सी हैं वो समस्याएं जो आपको कर सकती है परेशान और किन ग्रह उपायों को करके आप उठा सकते हैं शुभ मौके का पूरा लाभ, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आज तक ब्यूरो। मंगल के दिन शुरू होने वाला साल 2013 आपके जीवन में धन संपत्ति की बरसात कर देगा और धन के लिहाज से ये साल आपके लिए अति शुभ हो जाए और जो 5 महीने थोड़े मुश्किल भरे हैं ये भी अच्छे हो जाएं, तो क्या करें कौशल जी? हाँ जी, जनवरी व जुलाई से वर्ष के अंत तक यानी फरवरी से जून का बीच का समय छोड़ दें तो समय धन के लिए बेहद शुभ रहेगा। 29 जनवरी से जून के अंत तक मंगल, गुरु, गुरु जो देश का मुख्य ग्रह है और धन का ग्रह, और शुक्र जो देश का मुख्य ग्रह, अस्त होने से धन की कमी विशेष करके जवाहरात, रेशमी वस्त्र, मिठाइयों, दूध, फल, सब्जियों
और विशेषकर से विवाह से जुड़े संस्कारों से जुड़े जो व्यापार हैं उनमें धन की कमी आएगी। आय कम होने के कारण जो है हानि हो सकती है समय, इस दौरान बैंक से वित्तीय सहायता और कर्ज से लेन देन में परेशानी हो सकती है। अस्त ग्रहों के कारण भूमि संपत्ति यानी जो रियल एस्टेट का सेक्टर और बिल्डर्स का पूरा व्यापार जो है ये थोड़ा प्रभावित हो सकता है, इसलिए विशेष करके इस सेक्टर से जुड़े जो लोग हैं वो 14 जनवरी के उपरांत जो है नीलम धारण करें। इसके अतिरिक्त मेष, वृषभ, तुला, वृश्चिक, धन व मीन तथा कर्क राशि होने पर यदि आपकी राशि है या लग्न भी साथ में हो तो मूंग और पीला पुखराज धारण करें। अन्य राशि के जातक जो है हीरा तथा पन्ना यानी इन क्षेत्रों को छोड़ दें तो हीरा और पन्ना जो है वो धारण करें। 6-6 महीने तक जो है लगभग 6 माह तक जो है पूर्ण रूप से मांसाहार मद्यपान त्याग दें, क्योंकि आत्मबल शरीर और स्वास्थ्य मानसिक स्वास्थ्य अत्यधिक उत्तम होना चाहिए, उसे त्याग दें। जवाहरात, लोहा, सीमेंट के व्यापार में यदि आप हैं तो इस समय हानि को रोकने के लिए बीमा करवाएं तथा ओम एंग ह्रीं क्लीं श्रीं, ओम एंग ह्रीं क्लीं श्रीं, इसमें एंग सरस्वती है, ह्रीं दुर्गा है, क्लीं काली है, श्री लक्ष्मी है, इनका जो है 5 माला का जाप पूरे वर्ष आप करते रहें जिससे जो है देवी का आशीर्वाद आपके सर पर रहे, क्योंकि भक्ति ही अस्त ग्रह में नाराज है। कार्यस्थल पर लक्ष्मी से जुड़े वास्तु के उपाय करवाएं, आपकी समस्या को इससे निजात मिलने का योग बनता है। चलिए, और अगर जातक जो हैं इस वर्ष विवाह करने की सोच रहे हैं तो विवाह के लिए ये साल कैसा है और क्या कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत है? हाँ जी, पुरुष की कुंडली में शुक्र व मंगल प्रेम व दाम्पत्य संबंध से जुड़ा ग्रह है तथा कन्या की कुंडली में गुरु और मंगल ये जो है प्रेम व दाम्पत्य संबंध से जुड़े ग्रह हैं। यही ग्रह जिनको तारा डूबना कहते हैं ये 12 फरवरी से 24 अप्रैल के मध्य जो है शुक्र का अस्त होना और लगभग 6 जून से 2 जुलाई के मध्य गुरु का अस्त होने के कारण जो है इस समय में विवाह संबंधी सारे कार्य रुक जाते हैं, विवाह और विशेष करके सगाई इत्यादि सारे काम रुक जाते हैं। परंतु इसके अतिरिक्त प्रेम संबंध जो गृहस्थ जीवन है पति पत्नी के बीच में भी तनाव आते हैं और इस समय जो है यदि आपके प्रेम संबंध कहीं चल रहे हैं तो उनमें भी तनाव आते हैं। इस दौरान में विशेष रूप से आपको कुछ उपाय जो है वो करने होंगे कि 6 रत्ती का जो मूंगा है आप ये धारण करें। कन्या विद्यालय में सफेद रेशम के वस्त्र, दूध से बनी मिठाई जो है ये आप राधा कृष्ण और मिश्री ये राधा कृष्ण को आप जो है भेंट भी कर दें और यदि मांसाहार मद्यपान इति 6 रत्ती का मूंगा जो है आप धारण करें और कन्या विद्यालय में सफेद रेशम के वस्त्र, दूध से बनी मिठाई, मिश्री, स्फटिक के राधा कृष्ण ये भेंट कर दें। मांसाहार मद्यपान से पूर्ण रूप से विशेष करके पुरुष जो है इससे परहेज करें। स्वास्थ्य संबंधी बीमा कराए रखें, विशेष रूप से ऊर्जा के हेतु यदि कुछ एनर्जी में कमी आ रही है इसलिए बीमा आवश्यक रहेगा। इलाज के लिए गेहूं, चीनी, चने की दाल, गुड़ और तांबे के बर्तन और 11 नारियल का तुरा दान करवाएं और एक वशीकरण मंत्र है तनाव में विवाहित संबंधों प्रेम में तनाव हेतु, ओम यज्ञो पवित्रम सहजम रहत प्रजापति स्वाहा, ओम यज्ञो पवित्रम सहजम रहत प्रजापति स्वाहा। ये वशीकरण मंत्र है सात्विक प्रेम के हेतु, स्फटिक की माला से 5 माला का जाप करें, मिसयूज नहीं इसका होना चाहिए। दाम्पत्य संबंधों में जहां जरूरी है इसका उपयोग आप कर सकते हैं, इन 5 महीनों में अभी से आरंभ कर सकते हैं इसको। चलिए, तो इन 5 महीने खासतौर से ध्यान रखें और इन मंत्रों का आप अगर जाप करेंगे तो जरूर लाभ होगा। और अब बात करते हैं नौकरी की। नौकरी के लिहाज से अगर कोई नई नौकरी तलाश रहा है या परिवर्तन चाह रहा है तो आने वाला वक्त कैसा होगा? देश को शनि का पीरियड चल रहा है इसलिए मजदूर वर्ग विशेष करके है, मजदूर वर्ग जो है कोयला है, परिवहन है, लोहा है, सीमेंट है, कपड़ा उद्योग यानी शनि से जुड़े सभी जो क्षेत्र हैं इनमें 29 जनवरी से लेकर 27 जून तक जो है अनुशासन रखना होगा, क्योंकि शनि 6.5 सती के रूप में भी बढ़ रहा है, तुला राशि में है वहाँ 6.5 सती लग रही है। अनुशासन रखें। क्रोध, खान पीन, दुर्घटना के योग के कारण भी नौकरी को भय है तो ध्यान से अपना मूवमेंट आप जो है कंट्रोल करें, कहीं चोट ना लगे कुछ ना हो, इसके कारण नौकरी को असर ना आए। कर्ज के लेन देन से परेशानी हो सकती है, धन की कमी हो सकती है, परंतु जुलाई के उपरांत जो है वर्ष के अंत तक सभी नौकरियों में विशेष करके जो क्षेत्र बोले परंतु पूरे भारत में हर जगह भी जो नौकरियों में है उसमें उनमें उन्नति, मनचाहे स्थान पर परिवर्तन इसके संकेत मिलते हैं। विभागीय परीक्षाओं में सफलता और सफलता के द्वारा कर्मचारियों के पक्ष में बड़े फैसले सरकार के द्वारा, यह सब कुछ संभव है। गायत्री मंत्र की 3 माला पूरे समय तुलसी की माला से करते रहें। जून महीने के अंत तक यानी फरवरी से जून के बीच में जो समय खराब है उसमें पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल के दीपक जलाएं तथा ओम नमः भगवते वासुदेवाय ये जो भगवान कृष्ण का मंत्र है ये दुर्गा ये जो गस्त ग्रहों के लिए अत्यधिक उत्तम रहेगा, परंतु अस्त से पहले ही आरंभ कर दें। 551 दिन तक रोज जो है 3 माला जाप करें।
शनि की शांति हेतु मछली व शुक्र के अस्त के हेतु मीठा खाने से परहेज करें। लोहा कोहला परिवहन के क्षेत्र में कार्यरत जो जातक हैं वो नीलम धारण कर सकते हैं। कंप्यूटर आईटी और तकनीकी क्षेत्रों में यानी जो बुध से जुड़े क्षेत्र हैं वो लोग पन्ना धारण कर सकते हैं, जिससे कोई तनाव ना आए और आपकी उन्नति अस्त ग्रहों के समय में भी होती रहे। हाँ जी, शनि के शत्रु मंगल के दिन से नए वर्ष का आरंभ हो रहा है और याद रखें कि शनि के साथ राहु भी चल रहे हैं इस समय तुला राशि में, तो साढ़े सती का असर जून तक अत्यधिक प्रबल रहेगा। शनि जो है अंकुश से बाहर होंगे, इसलिए जून महीने के अंत तक का समय विपरीत रहेगा। साढ़े सती से प्रभावित जातक जो है विशेष करके तुला और वृश्चिक राशि के जातक जो है उनमें स्वास्थ्य संबंधी, प्रेम दाम्पत्य संबंधी इन समस्याओं के प्रति विशेष रूप से सावधान रहना होगा। व्यय के प्रति सावधान रहना होगा। 29 जनवरी से 27 जून के मध्य परिवार में अशुभ संस्कारों के योग भी बनते हैं साढ़े सती में, क्योंकि साढ़ सती के समय विपरीत दशाएं भी चल रही होती हैं, तो ये योग बने हुए थोड़े से। मीन और कर्क राशि में शनि की ढैया जो है वो भी राहु और शनि की युति से अत्यधिक खराब नजर आ सकती है, इसलिए संतान धन नौकरी संबंधी तनाव जो है मीन और कर्क राशि के जो जातक हैं उनके लिए आ सकती है। जुलाई से दिसंबर के बीच का जो समय है साढ़े सती ढैया से जुड़ी समस्याओं से बड़े सुधार का होगा, क्योंकि इस समय गुरु की दृष्टि इन दोनों ग्रहों पर पड़ेगी और वो समस्याओं से निदान दिला देंगे। इसलिए क्या करें, जून से अभी से लेकर जून तक ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय महालक्ष्मी विच्चे, दुर्गा के लक्ष्मी रूप का मंत्र है ये, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय महालक्ष्मी विच्चे। पूरे साल मूंगे की माला से, यदि वो ना हो तो लाल चंदन की माला से पांच माला का जाप करें। साथ ही शनि की शांति हेतु काली भैंस अथवा काली गाय को मीठी गुड़ की रोटी हो सके तो शनिवार और शुक्रवार, अन्यथा रोज खिलाएं। हरा चारा भी उन्हें डालें। हर शनिवार और मंगलवार को भैरव मंदिर में नारियल तिल तेल छुरी और शतनाजा दान करें। 12 फरवरी से 24 अप्रैल के मध्य यात्रा और वाहन संपत्ति खरीद को टाल दें। इस समय कोई गाड़ियां खराब मिल जाती हैं कई बार। लाल चींटियों को मीठी रोटी खिलाएं। कर्क और मीन राशि के जो जातक हैं विशेष रूप से जलीय राशियां हैं, इसे शमशान में जल की व्यवस्था कराएं, इससे जो आपको शांति और सुरक्षा ईश्वर से मिलती है। चलिए, तो शनि के साढ़े साती का जो प्रकोप है वो थोड़ा कम हो जाएगा अगर ये छोटे छोटे उपाय जो हैं आप करेंगे। और शिक्षा के लिहाज से ये साल कैसा होने वाला है और जिन जातकों को थोड़ी बहुत दिक्कत आने वाली है तो वो क्या कुछ सावधानियां बरतें, ये भी हम जान लेते हैं कौशल जी से। कौशल जी, हाँ जी, 28 जनवरी से 27 जून के बीच स्वास्थ्य विशेष है, क्योंकि ऊर्जा और शिक्षा से जुड़ा ग्रह गुरु और शुक्र दोनों अस्त हैं, इसलिए विशेष और इसी समय सारे इम्तिहान भी चलते हैं, सारी परीक्षा भी होती है, इसलिए परीक्षा में बाधा का समय थोड़ा बनता है ऊर्जा और तनाव के हेतु। 8 वर्ष से छोटी आयु के जो बच्चे हैं उनके विशेष रूप से स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि सर्दियों का समय होता है, इसमें बीमारी कोल्ड कफ इत्यादि बाला दृष्टि योग यदि हो तो वो होता है। विद्यार्थियों की ऊर्जा में कमी होगी, तनाव के कारण शिक्षा इसीलिए प्रभावित होगी। विशेष करके जो शुक्र के जुड़े क्षेत्र हैं मीडिया नृत्य कला फिल्म वर्ल्ड है टीवी सेक्टर है और समाज शास्त्र, इससे जुड़े जो जातक है विशेष रूप से प्रभावित होंगे। इसलिए जातक जो है बच्चे जो है यानी जो व्यसक जो युवा जो है मांसाहार मद्यपान से परहेज करें, इसमें स्मोकिंग भी आती है। पीला पुखराज धारण करें, शिक्षा हेतु और संस्कार बने रहे, तनाव आपको ना रहे, तथा ओम ऐं सरस्वते नमः, ओम ऐं सरस्वते नमः सफेद चंदन या स्फटिक की माला से हो सके तो सुबह इस मंत्र का जाप करें। छोटे बच्चे होने पर माता की स्वयं या किसी विद्वान ब्राह्मण से संकल्प दिलाकर 61,000 मंत्रों का जाप करवाएं, क्योंकि कारण सिर्फ स्वास्थ्य होगा और कोई विशेष कारण नहीं और तनाव होगा। इंजीनियरिंग यानी जो व्यस्क जातक हैं बालक हैं शिक्षा में इंजीनियरिंग है चिकित्सा है वह उच्च स्तरीय शिक्षाओं में तो पन्ना और नीलम धारण कर सकते हैं, क्योंकि साठ सती चल रही है, पन्ना नीलम धारण कर सकते हैं। शरीर के चौथाई वजन के बराबर नमक लोहा उर्दले और ग्रहण सोमवती भोमवती और शनिवासरी अमावस्या यदि हो तो इस समय पर जो है इस सामग्री का विशेष रूप से पूरे वर्ष सर के ऊपर से घुमा के पानी में इनको बहाएं, पानी में इन तीनों इन्हीं अमावस्या के दिनों में विशेष करके जून तक शिक्षा हेतु आपको लाभ मिलेगा। इस साल और भी ज्यादा खुशहाली और तरक्की दिला सकते हैं। और हम आगे बढ़े उससे पहले एक सवाल मेरे ध्यान में आया कि इस साल कोई ईष्ट भी है कि भाई अगर इन भगवान को खास तौर से प्रसन्न रखेंगे तो सब कुछ ठीक ठाक रहेगा? देखिए, मंगलवार के दिन ये शुरू हो रहा है और साथ में ही बुध के नक्षत्र में लक्ष्मीपति जो बुध है लक्ष्मी है उसी के नक्षत्र में शुरू हो रहा है। याद रखें इस समय जो तनाव की स्थिति चल रही है वो आसुरी शक्तियों राहु शनि की दृष्टि जो सूर्य यानी विष्णु उन पर पड़ रही है, इसलिए वर्ष के इष्ट हो गए सूर्य।
क्योंकि जब अस्त ग्रह होंगे शुक्र मंगल और गुरु 29 जनवरी से लेकर जून के अंत तक ये सूर्य से ही तीनों ग्रह अस्त हो रहे हैं, तो पूरे वर्ष के लिए जो देव हैं वो सूर्य हैं, विष्णु हैं। छोटा सा मंत्र है उनका ओम नमः नारायण है अथवा ओम विष्णुवे नमः, कोई भी मंत्र जो है सूर्य का कर सकते हैं, नरसिंह मंत्र कर सकते हैं, और नहीं तो धनु राशि में सूर्य है गायत्री मंत्र करें, रोज सुबह एक माला करें और विष्णु का जो संस्कार है उनका स्तर है वो बनाए रखें। चलिए, तो सूर्य और विष्णु भगवान की खास तौर से पूजा करने लाभ मिलेगा। व्यापारी जो हैं उनके लिए साल कैसा रहेगा और क्या उपाय उन्हें करने हैं कौशल जी? हाँ जी, व्यापार में 2 जुलाई तक विशेष रूप से जब समय खराब है, कागज कपड़ा फल सब्जियों चांदी बिजली से जुड़े व्यापार में तंगी रहेगी, यानी जो आम ग्रहण गृहस्थ जुड़ी व्यापार में तंगी रहेगी। इस समय व्यापार बदलने का विचार मन में आ सकता है। लोहा सीमेंट संपत्ति ठेकेदारी और बड़े उद्योग यानी जो कि इंडस्ट्रियल सेक्टर है और शेयर मार्केट, वहां पे तनाव जो है बढ़ा रहेगा, संभव रहेगा ज्यादा। जून महीने में सरकार के कर विभाग जो है अस्त गुरु के कारण इस समय परेशानी आ सकती है, समस्याएं हो सकती हैं यदि आप करों को ठीक से नहीं दे रहे हैं। 2 जुलाई से वर्ष के अंत तक शनि से जुड़े सभी व्यापार जो है यानी जो कोर सेक्टर है औद्योगिक सेक्टर है सभी में गुरु की दृष्टि के कारण लाभ मिलेगा। दूसरा कारण है कि देश की कुंडली में सूर्य महादशा जो धनेश बुध है उसका अंतर जून से शुरू होगा, तो प्रबल प्रचुर धन उपलब्ध रहेगा, तो जून के बाद से हर क्षेत्र में धन मिलेगा। लोहा सीमेंट बिल्डर्स के क्षेत्र में धन का आगमन बढ़ेगा, व्यापार में नई साझेदारी नई प्रगति के मौके मिलेंगे, नए व्यापार खुल सकते हैं। जून के अंत तक का जो विशेष करके समय जो है उसमें आपको क्या करना है, हर बुधवार कन्या पूजन करें, हरी चूड़ियां रिबन कपड़े और श्रृंगार की सामग्री ये कन्या पूजन में दें। 29 जनवरी से 27 जून तक हर मंगलवार दुर्गा व हनुमान मंदिर में जाएं, भक्ति का आशीर्वाद लें। 5 रत्ती का पन्ना जो है जो कंज्यूमर गुड्स के लोग हैं 5 रत्ती का पन्ना छोटी अंगुली में धारण करें। 15 जुलाई से 15 अगस्त के मध्य शनि से जुड़े व्यापार में जो जातक हैं यानी हैवी कोर बिल्डर्स इत्यादि हैं वो नीलम धारण करें। व्यापार में जातक नीलम धारण करें, हर शनिवार मछलियों को आटे की गोलियां डालें और ओम सूर्य पुत्राय विद्महे मृत्यु रूपाय धीमहि तन्नो सौरी प्रचोदयात्। पूरे साल इस मंत्र का 2 माला जाप करें, इसको दोबारा पढ़ देते हैं। ओम मृत्यु रूपाय धीमहि, ओम सूर्य पुत्राय विद्महि मृत्यु रूपाय धीमहि तन्नो सौरी प्रचोदयात। पूरे साल ये जो है शनि गायत्री मंत्र है, 2 माला का जाप करें, परंतु जब शनि गायत्री का आप जाप करेंगे तो किसी मंत्र का जाप करें तो थोड़ा सात्विक रहें, मांसाहार मद्यपान से परहेज करें। चलिए कौशल जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, बताया कि क्या सावधानियां बरतनी है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, उस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही।